सर्दियों में इंसान नहाने से पहले साइलेंट मोड पे रहता है, नहाते समय रिंगटोन मोड पे और नहाने के बाद वाइब्रेशन मोड पर। हिंदी में भुट्टे की औकात मात्र 10 रुपए, पर जैसे ही अंग्रेजी में पॉपकॉर्न हुआ वही भुट्टे 300 में बिकते हैं। मास्टर ही एकलौता वो इंसान है जो बिना तेल नमक और मसाले के मुर्गा बना देता है। ससुराल और सरकारी दफ्तर का नियमित चक्कर आपको विनम्र और धैर्यवान बनाता है। बेटी और दामाद एक थाली में खाए तो मोहब्बत, और बेटा और बहू एक थाली में खाए तो वशीकरण मायाजाल हद है। बड़े बड़े शहरों की एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत सारे लोग अपने काम से काम रखते हैं। मैं खुद 10 मिनट तक बाइक से गिरा पड़ा रहा। भारत वो देश है जहाँ ट्रैफिक लाइट पे बिल्ली को बैठा दिया जाए तो ज्यादा लोग रुकेंगे। एक भाई ने अपने पत्नी को सुबह 9 बजे से बैंक की लाइन में खड़ा करवा दिया और खुद ऑफिस चला गया। शाम को जब वापस आया तो पत्नी बोली, धूप में खड़े खड़े 2 बजे बैंक के दरवाजे में घुसी और 3 बजे कैशियर के सामने पहुंची। मुझे खड़ा कर वो चाय पीने चला गया। आधे घंटे बाद वो आया और कंप्यूटर पे बैठ के बोला, सॉरी मैम, पैसे नहीं है, आपकी कसम मेरा मुंह मिर्ची खाए जैसा हो गया, मेरे तो तन बदन में आग सी लग गई, सारे दिन रोई परेशान हुई। घर का सारा काम छोड़कर भूखी प्यासी इतनी देर खड़ी खड़ी पाव तोड़े और आखिर में ये जवाब, पैसे नहीं है, पति गुस्सा करता हुआ बोला और तुम पागलों जैसी यूं ही आ गई, उनका कुछ नहीं कर पाई। मुझ पर तो आज तक 20 बेलन तोड़ चुकी हो, कम से कम एक बेलन उन पर तोड़ आती, उनको भी तो कुछ मालूम पड़ता। पत्नी बहुत ही धीरज से बोली, बेलन तो आज एक और टूटेगा, पैसा बैंक में नहीं तुम्हारे खाते में नहीं था बेवकूफ। अब पति 3 दिन से लापता है। एक कड़वा सच, एक फौजी की शहादत पे परिवार को दुख कम और गर्व का आभास ज्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ की कोख भी धन्य हो जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार के शुद्ध पारिवारिक चुटकुले देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।